नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला अमेरिकी दौरा है। इस दौरान राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर हमला कर रहे। अब इन चुनावों के बाद से कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन साल 2024 के चुनावी नतीजों को अपनी बड़ी जीत बताकर पेश करता रहा है। भारत एट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला अमेरिकी दौरा है। राहुल गांधी ने टेक्सास में कार्यक्रमों में शिरकत की। राहुल ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के कार्यक्रम में अपनी बातें रखी। इस दौरान राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर रहे। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के नतीजे आने के कुछ मिनट के अंदर ही लोगों के मन से बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी का डर खत्म हो गया। बीते लोकसभा चुनावों में भाजपा 240 सीटें ही जीत सकी थी। हालांकि एनडीए के घटक दलों की मदद से नरेंद्र मोदी सरकार बनाने में सफल रहे। अब इन चुनावों के बाद से कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन साल 2024 के चुनावी नतीजों को अपनी बड़ी जीत बताकर पेश करता रहा है। राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। राहुल गांधी ने टेक्सास में एक कार्यक्रम में कहा, आरएसएस मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों से बना है। हम अमेरिका की तरह मानते हैं कि हर किसी को सपने देखने का अधिकार है, सबको भागीदारी का मौका मिलना चाहिए और यही लड़ाई है। राहुल के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। कोई देशद्रोही आरएसएस को नहीं जान सकता। जो विदेशों में जाकर देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। लगता है कि राहुल गांधी भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि राहुल गांधी इस जन्म में आरएसएस को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये संगठन भारतीय संस्कार और संस्कृति से पैदा हुआ है। राहुल गांधी पहले भी अमेरिका के दौरे पर जाते रहे हैं। उनके विदेशी दौरों पर बीजेपी आक्रामक रही है। इससे पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन सैम पित्रोदा ने टेक्सास में राहुल गांधी का परिचय कराते हुए कहा, राहुल गांधी के पास एक विजन है, ये उस बात के विपरीत है जिसके लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। वो पप्पू नहीं है, वो काफी शिक्षित इंसान है और वो बहुत कुछ पढ़ा है। वो एक रणनीतिकार हैं जिसके पास किसी भी मुद्दे पर गहरा विचार है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसी बयान के एक अंश को साझा कर तंज कसा। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, कल्पना कीजिए कि कोई राहुल गांधी का परिचय इस तरह से करा रहा हो कि वो पप्पू नहीं है और सैम पित्रोदा ने यह कहकर दिखाया। सैम पित्रोदा लोकसभा चुनाव के दौरान भी अपने एक बयान के कारण चर्चा में आए थे। सैम को इस्तीफा तक देना पड़ा था, हालांकि चुनाव खत्म होते ही वो फिर से अपने पद पर दोबारा नियुक्त कर दिए गए थे। सैम ने मई 2024 को एक इंटरव्यू में कहा था, हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहां पूर्व में रहने वाले लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले मेरे ख्याल से गोरे लोगों की तरह दिखते हैं, वहीं दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी जैसे लगते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सब भाई बहन हैं। अमेरिका में हुए कार्यक्रम में राहुल गांधी ने दावा किया, बीजेपी भारत के संविधान पर हमला कर रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव के दौरान लाखों लोग इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत के संविधान में भाषा, धर्म, परंपरा और जाति हर किसी के सम्मान की बात कही थी। संविधान आधुनिक भारत की बुनियाद है। चुनाव के दौरान मैंने देखा कि लोग स्पष्ट तौर पर समझ रहे थे कि बीजेपी हमारी परंपरा, भाषा, राज्य और इतिहास पर हमला कर रही है। बीते लोकसभा चुनावों में कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन ने संविधान को खतरा होने की बात कही थी। विपक्षी दलों ने चुनावी रैलियों में दावा किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो संविधान को बदल देगी। हालांकि विपक्षी दलों के ऐसे दावों को बीजेपी खारिज करती रही है। इंडिया गठबंधन का आरोप था कि बीजेपी संविधान में कमजोर तबकों को दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का डर समाप्त हो गया है, ये भारत के लोगों की उपलब्धि है जिन्होंने बताया कि हम भारत के संविधान पर किसी हमले को स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीय समुदाय से जुड़े कार्यक्रम में राहुल गांधी बोले, आप यहाँ मन में घृणा नहीं सम्मान लेकर आए हैं और आप हमारे यहाँ हमारे दूत हैं, इसलिए आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। भारत को अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका को भारत की। आप अपने पुराने घर और नए घर अमेरिका के बीच पुल हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि चुनाव के दौरान लाखों लोग इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के संविधान में भाषा, धर्म, परंपरा और जाति हर किसी के सम्मान की बात है। संविधान आधुनिक भारत की बुनियाद है। चुनाव के दौरान मैंने देखा कि लोग स्पष्ट तौर पर समझ रहे थे कि बीजेपी हमारी परंपरा, भाषा, राज्य, इतिहास पर हमला कर रही है। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन ने संविधान को खतरा होने की बात कही। विपक्षी दलों ने चुनावी रैलियों में दावा किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को बदल देगी। हालांकि विपक्षी दलों के ऐसे दावों को बीजेपी लगातार खारिज करती रही है। इंडिया गठबंधन का आरोप था कि बीजेपी संविधान में कमजोर तबकों को दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है।
राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का डर समाप्त हो गया, ये भारत के लोगों की उपलब्धि है, जिन्होंने बताया कि हम भारत के संविधान पर किसी हमले को स्वीकार नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में छात्रों के बीच दुनिया भर में बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर बात की। राहुल गांधी ने छात्रों के बीच कहा कि आज भारत में फोन, फर्नीचर, कपड़े, हर चीज के पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है। छात्रों के बीच राहुल गांधी ने अपनी 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पर भी बात की। राहुल गांधी ने कहा कि पहला सवाल जो आपने पूछा वो ये है कि मैं 4000 किलोमीटर पैदल क्यों चला, हमें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी वजह यह है कि भारत में संचार के सभी रास्ते बंद थे। हमने संसद में बात की लेकिन इसका टेलीविजन पर प्रसारण नहीं हुआ। हम मीडिया के पास गए लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हमने कानून व्यवस्था के सामने दस्तावेज भी पेश किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। सारे रास्ते बंद हो गए और लंबे समय तक हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि संवाद कैसा करें। राहुल गांधी बोले, अचानक हमें ये विचार आया कि अगर मीडिया आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है तो और संस्थाएं हम लोगों से नहीं जुड़ रही हैं तो हम सीधा उनके पास जाएं। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस यात्रा ने मेरे काम के बारे में सोचने के तरीकों को मौलिक रूप से बदल दिया। उस यात्रा में कई लोग शामिल थे और उसमें बिना किसी योजना के स्वाभाविक रूप से जो सबसे अच्छी चीज़ हुई वो ये थी कि राजनीति में प्रेम के विचार का परिचय। यह अजीब है क्योंकि ज़्यादातर देशों में राजनीतिक विवाद में आपको प्रेम शब्द कभी नहीं मिलेगा, आपको नफरत, गुस्सा, अन्याय, भ्रष्टाचार, ये सभी शब्द मिलेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि दुनिया भर में हर जगह रोजगार की समस्या नहीं है। पश्चिमी देशों में भारत में रोजगार की समस्या है लेकिन चीन और वियतनाम में रोजगार की समस्या नहीं है। वो आगे कहते हुए नजर आए कि साल 1940, 50 और 60 के दशक में अमेरिका वैश्विक उत्पादन का केंद्र है। अमेरिका में कार, वॉशिंग मशीन, टीवी सब कुछ बनाया जाता है लेकिन धीरे धीरे उत्पादन कोरिया, जापान, अब चीन में भी चला गया है। अगर आप आज देखें तो चीन वैश्विक उत्पादन कर रहा है। भारत में आप फोन, फर्नीचर, कपड़े देखें तो उन सभी के पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है, एक तथ्य है। तो क्या हुआ है, पश्चिमी देशों, अमेरिका, यूरोप और भारत ने उत्पादन के विचार को छोड़ दिया है और इसे चीन को सौंप दिया। राहुल गांधी ने रोजगार के संकट पर खास तौर पर बात की और कहा कि उत्पादन का काम रोजगार पैदा करता है। हम जो करते हैं, जो अमेरिका या पश्चिम देश करता है, वो उपभोग को व्यवस्थित करना है। राहुल गांधी के मुताबिक भारत को उत्पादन के काम, उत्पादन को व्यवस्थित करने के बारे में सोचना होगा। विनिर्माण या उत्पादन चीनी, वियतनामी या बांग्लादेशी का होने जा रहा है। राहुल गांधी बोले, बांग्लादेश अभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लेकिन उसके बाद भी उसने वस्त्र उद्योग में हमसे पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा की है। उन्होंने वस्त्र उद्योग में हमारा सफाया कर दिया। हालांकि पीएम मोदी कई मौकों पर ये कहते रहे कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, नई सड़कें, हवाई अड्डे, बंदरगाहों, मेट्रो लाइनों का निर्माण नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीति की धुरी रहा है। पिछले 3 साल से उनकी सरकार हर साल $100 अरब की रकम मूलभूत ढांचे के विकास में खर्च कर रही है। 2014 से 2024 के बीच भारत में लगभग 54,000 किलोमीटर यानी कि 33,553 मील लंबे नेशनल हाईवे बनाए गए हैं, जो इससे पहले के 10 सालों के दौरान बने राष्ट्रीय राजमार्गों से दोगुना है। जीडीपी के अनुपात में देखें तो 2020 से 21 में निजी निवेश महज 19.6% था, जबकि 2007-08 में जीडीपी के 27.5% के साथ निजी निवेश अपने शिखर पर रहा था। हालांकि बेरोजगारी के मुद्दे पर पीएम मोदी की अक्सर आलोचना होती रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2000 में जहां देश के बेरोजगारों में पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद 54.2% थी, वो 2022 में बढ़कर 65.7% तक पहुंच गई है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को लोकतांत्रिक माहौल में उत्पादन करने के तरीके पर पुनर्विचार करना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमें बड़ी बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।